तो तीसरी फजीलतः सईदील रज़ी अल्लाह की वैसे तो फ़ायल ज़्यादा बयान हो गए हैं लेकिन मोटे मोटे फ़ायल में तो तीसरा कि अकील रजी अल्लाह को अल्ला रबहर की तरफ से मफफरत का परवाना भी मिल गया एक तो सहाबा में शामिल होने की वजह से जो अल्लाह रब्ज़र की रजवान है वो मुतलकन उसमें शामिल हैं अतलाक़ सब पे है लेकिन सैदन रजी अल्लाह के बारे में ख़ास तौर पर અલ્લાહ રબુલ ઇઝત કે તરફ સે مغફરત કા જો પરવાના હે વો જારી કિયા ગયા અભી મુસ્લમાન નહી હુએ મજે કી બાત યે હે કે અભી સયદના અકિલ અઝીઝુલ મુસ્લમાન નહી હુએ અભી હાલતે કુફર મે હે લેકિન અલ્લાહ રબુલ ઇઝત ઇશારે મે અપને નબી કો બતા રહા હે અપને નબી કો ઓર મુસ્લમાનો કો ઇશારે મે બતા રહા હે કે ઇન કે બારે મે વો રવૈયા નહી રખના જો કાફરો કે બારે મે રખતે હે આપ चुनाच अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया या फ़रमायाबीनफ़ी फ़ीकलूबी खई रही खईरम गफ़ूर ए नबी आप के पास जो कैदी है ना आप उनसे कह दें कि अगर अल्लाह रब्ल को मालूम है ना कि आपके दिल में जो है वो ख़ैर है यानी इस्लाम आपने कबूल करना है अगर अल्लाह के इलम में है तो फिर जो तुमसे लिया जा रहा है वो कुछ भी नहीं उसके मुकाबले में लिहाजा हौसला करो परेशान नहीं हो जाना इस वजह से कि हम इन मुसलमानों के कब्ज़े में आए हैं असल में हुआ क्या था गज़ब बदर में मुसलमानों के हाथ कुछ जंगी कैदी लगे थे जिनमें से सदना अब्बास रजी अल्लाह भी थे नबी के चचा और सईदना अकील रजी अल्लाह भी थे नबी के चचाजाद और कुछ और भी बनो हाशम के लोग थे तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनको हौसला दिया कि ये अगर मुसलमानों के हाथ में आ गए हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को पता था ना कि इन्होंने ईमान कबूल करना है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनको हौसला दिया कि नबी आप इनको कह दें कि जो मुआवजा तुमसे लिया जा रहा है ना अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अगर आपके दिल में ईमान की खैर रखी है ना तो ये कुछ भी नहीं अल्लाह ने इससे बढ़ कर आपको दे देना है इन आखिरत का बदला आपको मिल जाएगा इस दुनिया में आपसे जो फदिया लिया जा रहा है इसकी वजह से आपने ईमान से पीछे नहीं हट जाना ईमान कबूल करना है तो करना है फ़िदिया आपसे जो लिया जा रहा है अल्लाह इससे बेहतर आपको दे देगा ये देखें ये गजब बदर के मौके पर आयतें नाजिल हो रही हैं जबकि इसके बहुत बाद मुसलमान हो रहे हैं सईदना अकील रजी अल्लाह और सैदना अब्बास रजी अल्लाह हो लेकिन अल्लाह रब पहले ही बता रहा है कि वल्ला वल्लाय रहीम अल्लाह तुम्हें माफ़ भी करेगा इससे बेहतर देगा अल्लाह बहुत माफ़ करने वाला है अब इसकी तफसीर एक हदीस भी हम आपको सुनाते हैं कि ये जो बात मैंने की ये को अपनी तरफ से थोड़ी कर दी है कि हदीस की वो आयत की तफसीर की है ना तो वो ये साद रहमतुल्लाह रहा की किताब है उसमें सही सनद के साथ आ, ये रिवायत मौजूद है कि नबी करीम अलैहि वसल्लम ने बदर वाले दिन अपने सहाबा से फ़रमाया बयान करने वाले हैं अब्दुल्ला इबन अब्बास अब्दुल्ला इब्न अब्बास बयान करते हैं कि नबी करीमलम ने अपने सह्याा को मुखातब किया बदर वाले दिन फरमाए इन्नी आरफ़त तो अन्ना रजाल बनी हाशम ने बग़ैर हिम कर उखरजू कर हन ला हाजत बिकाला कुछ लोग बनो हाशम से ऐसे हैं जो और दीगर लोग भी कुछ ऐसे हैं जो काफ़रों के साथ मिल के निकले थे लेकिन मजबूर थे वो वो बेचारे मजबूर थे अगर न निकलते तो काफ़िर उनको नुकसान पहुँचाते वो सिर्फ अपने आप को बचाने के लिए निकले थे वो हमसे लड़ने के लिए निकले नहीं ना ही हमसे उन्होंने कोई लड़ाई इस तरह की की है कि हमें उन्होंने मारना चाहा हो फमन लाकि अम इनको माह में बनी हाशिमिन फला हो बनु हाशिम में से जो भी कैदी हो तुम्हें मिले तो उसको तुमने कत्ल नहीं करना बदर में बनो हाशिम में से किसी को कत्ल नहीं करना हालांकि काफरों के साथ आए हैं तो दुश्मन है मुकाबले में मारा जाना है उन्हें लेकिन नबी करीम वसलम पहले ही मना फरमाया नहीं भी कतल नहीं करना और आगे फरमाते हैं मन लाकी अल अब्बास अपना अब्दुल मुतअलबी अमन नबी यह फला अकदुल्हु जो मेरे चचा अब्बास को मिले ना उस कतल ना करे अब्बास को और इस फैन उखरजा मुस्तरे क्योंकि उनको मजबूर करके निकाला गया है वो खुशी से हमारे लड़ने नहीं आए हमसे तो अब्बास रजी अल्लाह नो भी उधर और अकील रजी अल्लाह नो भी उधर उसी मौके पर बदर पर निकले हैं दोनों ही तो अल्लाह रबालजर क्या फरमा रहा है कुरान में उन्हें तसली दे रहा है कि तुमसे जो फिदिया लिया जा रहा है ना इससे बेहतर अल्लाह ने तुम्हें दे देना है इसलिए गम नहीं करना अल्लाह तुम्हें माफ़ भी करेगा मगफ़रत का, का परवाना भी अल्लाह जारी कर रहा है और मोहम्मद रसूल अल्लाह वसम भी फरमा रहे हैं कि बनो हाशम में से जो निकले हैं अब्बास भी बनो हाशम में से हैं और अकील भी बनो हाशम में से हैं फरमाए इनको कतल नहीं करना तो ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनके ईमान लाने से ऐलान करने से पहले लोगों को बता दिया है अगरचे वो काफ़रों से मिलकर आ रहे हैं लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने नबी को वही कर रहा है और नबी अपने सहाबा को बता रहे हैं कि इन्हें कत्ल नहीं करना और अल्लाह उन्हें तसली तो दे रहा है अब इसकी जो सनद है अब कोई एतराज़ कर सकता है कि अब्बास बिन अब्दुल्ला बिन मबद जो हैं वो अम्बाज अहल ही अपने बाज़ अहल से अपने घर वालों से रिवायत कर रहे हैं अपने रिश्तेदारों से रिवायत कर रहे हैं वो अब्दुल्ला बिन अब्बास से रिवायत कर रहे हैं लेकिन तहजीबुल कमाल में हाफज मिजी अहमत ने लिखा है कि मिन मिनाहन यरवी अनहम अबू वाहू कि जो उनके अहल हैं ना जिनसे वो रिवायत करते हैं अब्बास बिन अब्दुल्ला बिन मबद वो उनके वालिद हैं अब्दुल्ला बिन मबद और उनके भाई हैं इब्राहिम बिन अब्दुल्ला बिन मबद और इसी तरह इक्रमा मौला इब्ने अब्बास हैं यानी ये तीन लोग हैं जो उनके अहल हैं और उनसे वो रिवायत करते हैं अब्दुल अब्बास बिन अब्दुल्ला बिन मबद तो वो तीनों सीखा हैं उनके वालद अब्दुल्ल् बिन मबद भी सीखा हैं और उनके भाई इब्राहीम बिन अब्दुल्ल् बिन मबद भी सीखा हैं और इकरमा मौला इबिन अब्बास भी सीखा हैं लिहाजा इस रिवायत में कोई इल्लत नहीं है और ये सही है तो इससे मालूम हुआ कि सैदना अकील रजी अल्लाह रबुल्ज़त ने पहले से ये बछारतें थी उनके बारे में अपने नबी को बता दिया था और उनको कत्ल होने से भी बचाया है इसलिए अल्लाह को पता था कि इन्होंने बाद में ईमान कबूल करना है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस वक़्त अपने नबी को बता रहे हैं कि ये लड़ने नहीं आए ये बेचारे मजबूर हैं इसलिए ये काफरों के साथ आ गए हैं तो इतनी बड़ी शान और इतना बड़ा मकाम जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दिया है सैदना अकील रजी अल्लाह को वही जो सैदना अब्बास रजी अल्लाह को दिया था वही सैदना अकील रजी अल्लाह को दिया तो ये लोग उनके ख़िलाफ़ तो हीना मेज़ गुफ्तू करते हैं और कहते हैं कि हमारे बैत के मुहिब हैं